हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ। सबसे पहले हमने बायो सेवर्ट्स लॉ एक्सप्लेन की थी। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि बायो सेवर्ट्स लॉ किस लिए हम यूज करते हैं। टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने करवाई थी, इनफाइनाइट और फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आज हम लेके आए हैं कि अब स्ट्रेट वायर की बजाय कैसा कंडक्टर हमने लिया है, सर्कुलर लूप लिया है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किसकी हेल्प से? यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस करवाएंगे इसमें हम बहुत सारे, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। दिस इज ए करंट कैरिंग लूप, दिस इज ए करंट कैरिंग लूप सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, इसका रेडियस हमने क्या ले लिया? आर, सेंटर ओ, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। आप अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो करवा सकते हैं, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी, किसी तरीके से आप करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें से, रेडियस आर है और सेंटर। अब हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा पीछे का रिकॉल भी साथ साथ करवाता रहूंगा ताकि आपको ये बहुत ही इजी लगे। पिछले उसमें हमने क्या किया था कि एक वायर लिया था, पॉइंट था जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और यहां पे वो पॉइंट कौन सा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है? एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है बायो सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से। तो इसका जो डिस्टेंस था वो आर, हमने यहां आर ले लिया। फिर हमने, आपको याद है कि एक करंट एलिमेंट तोड़ा था, हमने एक करंट एलिमेंट लिया था, दैट इज डी एल, याद आया कुछ? तो हम क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट यहां पर ले लेंगे हम, इतना सा करंट एलिमेंट ले लेंगे, दैट इज डीएल, और डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। सर्कुलर लूप में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करेगा? अलोंग टेंजेंट, ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, अब जरा सोचिए डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड बताती है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। हमेशा याद रखना, बायो सेवर्ट्स जो लॉ होती है वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो यहां देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल कितना हो जाएगा बताइए मुझे। बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। साइन 90 1 हो गया यहाँ पे, तो डीबी कितनी आ गई बच्चों? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। ओके, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड पाल्म रूल। तो देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है, और कर्ल द फिंगर कहाँ जा रही है? ओ पॉइंट पर, अंदर की साइड। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? चलिए अब इसी तरीके का एलिमेंट आप कहीं और भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट यहां तोड़ लिया dl, जो कि इसके साथ फिर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और dl की डायरेक्शन ये हो जाएगी डायरेक्शन dl, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये भी और ये भी, रेडियस वही आ रहा है, तो इस पॉइंट पर भी एंगल सेम है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी। कहीं और ले लीजिए, अगर यहां मैं dl लेता हूं तो dl की डायरेक्शन अलोन टेंजेंट ये होगी और ये रेडियस होगा जो कि 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाता है। ये तो मैथ लग रहा है यहाँ पे 10th क्लास का, कि जो सर्कल का रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सेम वही है, 90 डिग्री है, रेडियस आर है, डीएल है, वही मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी। तो हम क्या करेंगे कि बेटा पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हम छोटे से एलिमेंट की वजह से तो निकाल चुके हैं, और हर एक पॉइंट पर यही आ रही है, तो हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इस स्मॉल करंट, इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो कंप्लीट सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ सकती है। बोलो क्लियर है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप थोड़े बहुत प्लस वन में भी पढ़ के आए हो कि टोटलिंग के लिए हम समेशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो चलिए कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी आपकी, रेज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कॉमन बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, आई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बड़ा ही, और डी बी का इंटीग्रेशन कैपिटल पी, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। What is the integration of dl? देखिए dl 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 छोटे छोटे dl सबको मैं जोड़ूंगा तो इसका circumference बन जाता है, total length किसके बराबर आती है, circumference के बराबर। देखिए छोटे छोटे elements को मैं तोड़ता नजर आ रहा हूँ, dl, एक dl आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, सभी dl का जब मैं integration कर दूंगा तो complete length मिल जाएगी हमें circular loop की, and that length is the circumference। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल क्या बन जाएगा बच्चों, 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। कैंसिल आउट कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, क्या बचता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। माइंड में घुसा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा हर बार काम आएगा न्यूमेरिकल में। ये मैग्नेटिक फील्ड आई है पूरे सर्कल की, याद रखना कंप्लीट सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी आती है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, या कह सकते हो कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आर इज द रेडियस, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, आई इज द करंट एंड 2 इज द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट। ये आपका बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन का सेकंड एप्लीकेशन का, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है हमने, किसकी हेल्प से, बायो सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से। तो बड़ा सिंपल सा है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई कंप्लीट लूप की वजह से। तो ये था कंप्लीट सर्कल का। अब इसी में हम बहुत सारे स्पेशल केस करेंगे। देखिए मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसका जो फर्स्ट केस मैं लेता हूं वो तो सर्कल का हो गया, सेकंड केस हम ले लेते हैं सेमी सर्कल का। ये सेंटर है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, क्लियर, रेडियस आर है, क्लियर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बताने को मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं इसको डेराइव करूंगा उसी तरीके से जैसे सर्कल का हमने किया था, ठीक है। देखिए कहीं भी एज योर चॉइस बच्चों, यहां से लेके यहां तक कहीं भी आप एलिमेंट को तोड़ लीजिए। ये क्या ले लिया आपने, डीएल, तो ये डायरेक्शन हो गया लॉन्ग टेंजेंट, और ये क्या है, आर, रेडियस होगा हर जगह, इज आर, कितने डिग्री का,
90 डिग्री का, यहां तोड़ लो हर जगह सेम ही केस आएगा। तो यहां पे देखिए स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ, आई डीएल साइन फिर से 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 यहां 1 हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा सीधा निकाल देता हूं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो कंप्लीट जितनी भी लेंथ हमने ले रखी है उस कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं क्योंकि आप कर चुके हो ये चीजें, आर स्क्वायर साइन 90 1 बन जाएगा और डीएल का ये इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहां पे आई बाय आर स्क्वायर व्हाट इज द डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन देखिए यहां पे जो लेंथ है वो कितनी है, ये सर्कमफेरेंस का काम करेगा, डीएल 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 बहुत सारे यहां से लेके यहां तक की लेंथ किसके बराबर होगी, कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर, ये कॉमन चीजें हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर, पाई से पाई कैंसिल आर से आर कैंसिल, क्या आया बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। देखिए जरा सर्कल का, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड ये आई थी, सेमी सर्कल की क्या हो गई इसकी हाफ, इसकी हाफ करूंगा तो 1/2 2 2 4 आ गया, तो आप डायरेक्ट याद करना रटने वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है समझने वाली बात है। जब कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आती है बच्चों तो सेमी सर्कल की वजह से कितनी आएगी, उसका हाफ हो जाएगा, जब इसका आप हाफ करोगे तो नीचे 4 ही तो आएगा, ये मैंने डेराइव भी करवा दिया आप करके देख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ सर्कल सर्कल का याद रखना है, मेन सर्कल का है, फिर आपसे क्वाड्रेंट सेमी सर्कल कुछ भी पूछा जाए, सर्कल पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो। चलिए ये सेकंड केस था सेमी सर्कल का, अब हम निकालते हैं तीसरा क्वाड्रेंट का केस। देखिए ये क्वाड्रेंट, अब की बार सिर्फ इतनी वायर गिवन है और ये सेंटर है ओ, और करंट मान लीजिए ये जा रहा है आई करंट और ये आर है रेडियस, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस गिवन वायर। चलिए फटाफट करते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है, सबको मालूम होता है पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो जो सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड आई थी हमारे पास उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार इसको डेराइव करवा रहा हूँ, तीसरी बार मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इसका, तो ध्यान से देखिएगा कहीं भी आप एक स्मॉल एलिमेंट तोड़ सकते हैं दैट इज डीएल, तो यहां से यहां ये कंप्लीट 90 डिग्री ये रेडियस का काम कर रहा है ये डीएल, तो बच्चों वही रूल है स्मॉल एलिमेंट में तोड़िए उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालिए टोटल के लिए उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 ये 90 डिग्री बन रहे अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 1 होता है, अगर मैं इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू डी एल, ये बन जाएगा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर एंड डी एल, डी एल का ये कंप्लीट एल बन जाएगा और ये लेंथ किसके बराबर होगी ध्यान से देखिए ये लेंथ किसके बराबर होगी, सर्कमफेरेंस कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो 1/4 का ये 1/4 हिस्सा है पूरे सर्कल का यानी 4 से डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा पाई आर बाई 2 पाई आई आर बाई 2, ठीक है। तो चलिए ये लेंथ कितनी हो गई पाई आर बाई 2, आर से आर कैंसिल पाई से पाई कैंसिल दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर हो गया, पूरे सर्कल का चौथाई हिस्सा, पूरे सर्कल का चौथाई हिस्सा पूरे सर्कल की वजह से रिजल्ट कितना आता था 2 आर, तो इसका चौथाई हिस्सा यानी 1/4 करूंगा 4 2 8 वही रिजल्ट आएगा, तो आप डायरेक्ट याद कर लेना ये मैं डिटेल में समझा रहा हूं पहली बार आप कर रहे हो इस वजह से, ठीक है। तो सर्कल का याद रखिए बाकी सब अपने आप निकालते चले जाओगे, अब मैं वो चीज आपको करवा रहा हूं, ये तो हो गई जर्नल जर्नल एंगल,
सर्कल हो गया, सर्कल का आधा, सेमी सर्कल उसका आधा, क्वाड्रेंट। अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी जर्नल एंगल दे दिया जाए आपसे, ना तो सर्कल हो, ना सेमी सर्कल हो, ना क्वाड्रेंट हो, बीच में कहीं भी दे दे उठा के कोई भी एंगल थीटा, तो आप मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आप निकालोगे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जर्नल रिजल्ट भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कोई भी एंगल दिया जा सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, कोई भी एंगल दिया जा सकता है। तो फोर्थ केस हम करते हैं, लाइक दिस, ये सेम, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर इस तरीके का कोई केस दे दिया जाए, ना तो ये सेमी सर्कल है, ना ये क्वाड्रेंट है, ना ये कंप्लीट सर्कल है, ये कोई भी एंगल थीटा से बना हुआ एक सेगमेंट ले लिया हमने। अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने से, तो मेथड तो वही रहेगा, मेथड तो वही चलेगा ना। देखिए, आप कहीं भी एक डीएल को तोड़ लीजिए, डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, आर, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। फिर से वही काम करना है हमें कि ड्यू टू बायो सेवर्ट्स लॉ, इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री डीएल और आर के अंदर, डीएल और आर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, दैट इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर साइन 91 हो गया। तो कंप्लीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं फाइंड आउट करूं, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखते चले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, डी एल। अब बात आके यहाँ पे अटक जाती है, अब यहाँ समझ में नहीं आता यार, एल कैसे निकालेंगे, वहां सेमी सर्कल था तो सर्कमफेरेंस का आधा कर दिया, क्वाड्रेंट था तो सर्कमफेरेंस को 4 से डिवाइड कर दिया, अभी ना तो ये सेमी सर्कल है, ना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्वाड्रेंट की लेंथ है, तो किस तरीके से इसकी एल निकालेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एंगल का फॉर्मूला आर्क बाई रेडियस होता है, एंगल कितना है थीटा, लेंथ ऑफ आर्क में मान लेता हूं एल, रेडियस क्या है आर, मुझे एल चाहिए, तो कितना आ जाएगा, थीटा इंटू आर, तो डीएल क्या आ जाएगा, देखो डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, और एल की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा आर, तो बी नेट कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर थीटा आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाई आर, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां एंगल कुछ भी दे दिया जाए आपको, 20, 30, 40, 60, 70 का कितना भी डिग्री का एंगल दे दिया जाए, वो एंगल आपको यहाँ पे पुट कर देना है, आप ये जर्नल फॉर्मूला बनाए, अब इस जर्नल फॉर्मूले में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं वाइस वर्सा काम करवाता हूँ, देखना कितना मजेदार बात मैं बताता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल रेडियन में होना चाहिए, एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लगा के आ जाओगे और घर आके 3 नंबर जोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा गलत हो जाएगा। थीटा इज ऑलवेज टेकन इन दिस इक्वेशन इन रेडियन फॉर्म, रेडियन फॉर्म मतलब पाई बाई 180 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने नॉर्मल, तो देखिए हमारी जर्नल फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया है, 4 पाई आई थीटा बाई आर। अब देखिए कितनी मजेदार बातें हैं हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हमने सर्कल का केस किया, सर्कल के केस में एंगल कितना बना बच्चों, सेंटर पे देखो, ये सेंटर पे एंगल कितना बनता है पूरा, ये 360, और 360 को रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ मुझे, अरे पाई 2 पाई इस तरीके से होता है रेडियन फॉर्म, ठीक है। अब जैसे 2 पाई बनता है सर्कल में, 360, तो 360 को अगर मैं रेडियन में चेंज करूं, तो रेडियन में चेंज करने का तरीका देख लीजिएगा, 360 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180, 2 से कैंसिल 2 पाई,
रेडियन में एंगल आ गया, यानी 360 को क्या बोला जाता है? 2 पाई। 180 को क्या बोला जाता है? पाई। 90 को क्या बोला जाता है? पाई बाई 2। 45 को पाई बाई 4। कॉमन चीजें, ठीक है, प्लस वन में आपने ऑसिलेशन के चैप्टर में भी पढ़ी होगी। चलिए बात करते हैं, अगर सर्कल है एंगल कितना 2 पाई, यहां पुट करना जरा वही रिजल्ट आता है या नहीं। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई थीटा की जगह 2 पाई बाई आर। अरे भैया 2 पाई से ये 2 कैंसिल। हां सर कह तो सही रहे थे, ये देखिए वही रिजल्ट आ गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल का, हमने केस किया था सेमी सर्कल के केस में थीटा कितना था? थीटा 180, और 180 को रेडियन में कैसे लिखा जाता है? पाई। पुट कीजिए जर्नल फॉर्म में, तो क्या बी वही रिजल्ट हमें देता है? बिल्कुल वही देगा, घबराने की बात नहीं है। पाई बाई आर, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, यही रिजल्ट हमने निकाला था सेमी सर्कल का, यही रिजल्ट हमने निकाला था सर्कल का, यही रिजल्ट आया जर्नल। अब क्वाड्रेंट का और निकाल लेते हैं। क्वाड्रेंट के केस में एंगल कितना था? 90 डिग्री। अरे क्वाड्रेंट जो बनाया था हमने, याद आया आपके, ये क्वाड्रेंट था, यहाँ 90 डिग्री एंगल था ना, तो 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? पाई बाई 2। जरा पुट कीजिए क्या बनता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, पाई बाई 2 इंटू आर, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। मजेदार चीजें, ठीक है, चार स्पेशल केस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करने के। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप अगर आ जाए, अगर सर्कल है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड का, सेमी सर्कल है ये फॉर्मूला, क्वाड्रेंट है ये फॉर्मूला, और अगर दे दिया जाए उसने 60 डिग्री, 170 डिग्री, 240 डिग्री, तो उसको रेडियन में फटाफट कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड होता है मल्टीप्लाई पाई बाई 180, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके यहां पुट कर देना, मैग्नेटिक फील्ड उसकी फटाफट आ जाएगी आपके पास। बोलो इजी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। पहला हमने स्ट्रेट वायर का किया था, फिर हमने किया है सर्कुलर लूप का। अब सर्कुलर लूप में, सर्कुलर शेप में कितना, कोई सा भी हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है, सेमी सर्कल का, क्वाड्रेंट का, कंप्लीट सर्कल का, और एनी जर्नल एंगल, कोई भी जर्नल एंगल। तो आप या तो आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जर्नल फॉर्मूला याद कीजिए, जर्नल फॉर्मूले से आपकी कोई सी भी शेप अगर न्यूमेरिकल में दे दी जाए उससे आप फटाफट निकाल सकते हो, फटाफट, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, डेरिवेशन थे ये आपके, न्यूमेरिकल्स लाएंगे फटाफट नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम करेंगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, सेफ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।